हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की परमानेंट पोस्ट्स हैं। एनी ग्रेजुएट किसी भी विषय से स्नातक डिग्री अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल हैं एप्लीकेशन करने के लिए। वीडियो में हम डिटेल्स कवर करेंगे। दो अलग अलग पोस्ट हैं और उनकी डिटेल्स हम कवर करेंगे। एज क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फी, सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब लोकेशन क्या होने वाली है और बाकी की जो मेन हाइलाइट्स होते हैं एडवर्टीजमेंट के, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करते हैं आगे। तो दो पोस्ट है बेसिकली। पहला एक वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है जिसमें सिर्फ वन पोस्ट है। दूसरी पोस्ट है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें 15 पोस्ट है। तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट 15 पोस्ट है और वेलफेयर ऑफिसर वन पोस्ट है। तो ये जो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की पोस्ट है इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं ग्रेजुएट 55% मार्क्स के साथ। पहले जानते हैं ये नोटिस कहाँ से रिलीज हुई है। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस, भारत प्रतिभूति मुद्रण तथा मुद्रा निर्माण निगम लिमिटेड की इकाई, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्वाधीन मीन्स होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये कम्प्लीटली जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार के अंतर्गत रन की जा रही है इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। और अभी जो नोटिस रिलीज हुई है वो है नासिक रोड से। नासिक रोड मतलब महाराष्ट्र से। तो जॉब लोकेशन की अगर बात करेंगे तो महाराष्ट्र हो सकती है या जहां जहां भी इसके यूनिट होंगे वहां पर ट्रांसफर हो सकता है। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2022, जैसा मैंने आपको बताया दो पोस्ट हैं इसमें अलग अलग। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू ऑलरेडी हो चुकी है 10 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक। 10 सितंबर से लेके 10 अक्टूबर तक एप्लीकेशन कर सकते हैं। फीस भी है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें 21,540 की बेसिक पे है। बेसिक पे अगर 21,540 से अलाउंसेस वगैरह ऐड करेंगे तो सैलरी आराम से बनेगी 35,000 या उसके ऊपर। और ये जो वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट है 29,740 की बेसिक पे है। इस पे भी सैलरी 40,000 के ऊपर जाएंगे, 40-45,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी। एज इसमें जो क्राइटेरिया वो पहले हम चेक करेंगे। एज का सबसे पहले एज का जो इशू रहता है कि वो समझना ज़रूरी होता है। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए 28 ईयर्स अपर एज लिमिट है और वेलफेयर ऑफिसर में वन पोस्ट ही है और 30 ईयर्स अपर एज लिमिट है। वेलफेयर ऑफिसर में ऐसा रहेगा कि सिर्फ महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकेंगे, बट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट में ऐसा कुछ नहीं है। बाहर के राज्यों से भी आप बिलोंग करते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही। तो पहले हम जो पोस्ट जूनियर ऑफिस असिस्टेंट है B3 लेवल, इसके लिए क्वालिफिकेशन की डिटेल समझते हैं। ग्रेजुएट होना होगा 55% मार्क्स के साथ में। कंप्यूटर की नॉलेज सबको रहती है तो कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट और हिंदी या फिर हिंदी में, मतलब एक कोई टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश में या फिर हिंदी में। अब यहाँ पे टाइपिंग के लिए कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगी जा रही है तो ठीक है, टाइपिंग आप ऐसे भी साइड में सीख सकते हैं। तो बेसिकली ग्रेजुएट होना होगा किसी भी सब्जेक्ट से 55% मार्क्स या उसके ऊपर मार्क्स के साथ में। रेगुलर कोर्स वाले, फुल टाइम रेगुलर कोर्स वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। वेलफेयर ऑफिसर में वन पोस्ट ही है और ये बेसिकली इस तरीके की है इसकी क्वालिफिकेशन की, ये वाली जो पोस्ट है वेलफेयर ऑफिसर इसमें महाराष्ट्र के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे क्योंकि इसमें लिखा है कि मराठी लैंग्वेज आना चाहिए। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। बाहर के राज्यों से बिलोंग करते हैं क्योंकि भारत सरकार के अंतर्गत आता है। बहुत लोग कैंडिडेट बहुत सारे कैंडिडेट इंटरेस्टेड होते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। और वेलफेयर ऑफिसर में 2 साल की एक्सपीरियंस भी मांगी गई है। एग्जामिनेशन फी जो है सभी के लिए, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी के लिए नहीं है। पॉइंट सी में पेज नंबर 4 पर एग्जामिनेशन फी, द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे एप्लीकेशन फी ऑफ ₹600 एक्सक्लूडिंग टैक्सेस एज एप्लीकेबल। मतलब 600 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा क्योंकि इसमें टैक्स तो ऐड नहीं किया है, तो जो टैक्स लगेगा फिर तो 600 प्लस समथिंग हो सकता है। और SC ST फिजिकली PWBD एंड एक्स सर्विस मैन कैंडिडेट्स के लिए ₹200 एप्लीकेशन फी रहेगी। फीमेल कैंडिडेट के लिए ऐसा कुछ अलग से नहीं दिया है कि कम है फीस या, तो आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करेंगे उस कैटेगरी के हिसाब से फीमेल कैंडिडेट्स एप्लीकेशन फी पे कर सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड रहेगी 1 ईयर की। इसमें एक बॉन्ड भरना है कि जो रहता है आजकल
ये बॉन्ड वाली कंडीशन आप पढ़ लें पेज नंबर 4 पे। अकोमोडेशन दी जाएगी अपॉइंटमेंट के बाद, क्वार्टर्स होते हैं इनके, तो क्वार्टर्स में रूल के हिसाब से अकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो लेकिन जब अकोमोडेशन प्रोवाइड कर दी जाती है तो इसमें क्या होता है, एचआरए नहीं मिलता है, ये एक होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर के लिए, वेलफेयर ऑफिसर के लिए, क्योंकि एक ही पोस्ट है तो ये मैं कवर नहीं कर रही हूँ। जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के लिए विल बी डन थ्रू टाइपिंग स्किल टेस्ट ऑन कंप्यूटर एंड ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम। तो दो ही है, ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप जिसे बोलते हैं, जनरल अवेयरनेस, लॉजिक रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, कंप्यूटर नॉलेज, इंग्लिश लैंग्वेज, ये सब। नासिक रोड में महाराष्ट्र में जॉब लोकेशन रहेगी, लेकिन कैसा रहता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब रहती है तो उसके जहाँ जहाँ भी यूनिट होंगे ऑल इंडिया लेवल पर, वहाँ पर बाद में ट्रांसफर हो सकती है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है और क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है, केवल क्वालिफाई होंगे तो फिर टेस्ट होगी। द टाइपिंग स्किल टेस्ट फॉर जूनियर विल बी इन द मंथ ऑफ नवंबर और दिसंबर एंड सेम विल बी कंडक्टेड इन नासिक, नवी मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने एटसेट्रा। पेपर जो है हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। स्किल टेस्ट के लिए दे दिया गया है कि मेन मेन जो महाराष्ट्र में जगह है, नवी मुंबई, मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने, नासिक, वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। मेन एग्जाम भी मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र में ही आके एग्जाम देना होगा, ऑनलाइन एग्जाम। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। अभी चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट, एक बार चेक कर लेते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, विकिपीडिया पे तो मुझे नहीं मिला, मेरे पास एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ पेपर की एक कटिंग थी, मैं वो आपको शो करती हूँ, इससे ये वेबसाइट मैंने लिया लिंक। ये इस तरीके से एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में आया हुआ है एडवर्टीजमेंट, और यहाँ पे ही मैंने देखा isp.nasik.spmcil.com। मोस्टली मैं विकिपीडिया से लिंक लेने की कोशिश करती हूँ, बट क्योंकि विकिपीडिया से नहीं मिला तो मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में जो एडवर्टीजमेंट थी उससे ही लिंक ली हुई है। फिर भी एक बार वेरीफाई जरूर कर लें एप्लीकेशन के पहले। अब इसमें यहाँ टॉप में ही आप देख रहे होंगे करियर आपको नजर आ रहा है, एक बार करियर पर आप क्लिक कर लें। जैसे आप करियर पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ एडवर्टीजमेंट है जिसमें आपको वेलफेयर ऑफिसर सेकेंड नंबर पे, फिलहाल सेकेंड नंबर पे है, और वेलफेयर ऑफिसर एंड जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, ये एडवर्टीजमेंट आपको देखने को मिलेगी 10 सितंबर। व्यू डिटेल्स पर जब आप क्लिक करेंगे तो एडवर्टीजमेंट डाउनलोड हो जाती है 17 पेजेस की। जब एडवर्टीजमेंट आप अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन, तो फिर नीचे ही एडवर्टीजमेंट के नीचे ही अप्लाई करने की लिंक भी दी हुई है। तो ये दोनों आपको चेक करना, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है, आपको अगर लिंक चाहिए तो या तो आप एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ चेक कर सकते हैं, इस वीक वाली 11 सितंबर वाली जो वीक चल रही है अभी, रोजगार समाचार चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरे इसी यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक स्क्रॉल डाउन करके चेक करेंगे तो लिंक आपको अवेलेबल मिलेगी, जो मैंने एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ से ही ली हुई है।